उस रात जब मैंने घर से बाहर कदम रखा, मुझे नहीं पता था कि मैं किस में पैर डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो दरवाजा कहाँ को खुलता है। जब दरवाजा खुला, वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मुझे जो बताया गया था और जो वहां हकीकत में हुआ था वो बिल्कुल अलग था। मुझसे झूठ बोला गया, धोखे से मुझे वहां ले जाया गया और मुझे मार डाला गया जान से। स्मिता, कहाँ हो? ये कल वाली बदबू और भी बढ़ गई है। मैंने कहा था ना आपको, वो बदबू हमारे बाथरूम से नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है। अरे गटर में दो तीन चूहे मरे होंगे। सोसाइटी ऑफिस में बोला तूने? एक बार नहीं, दो दो बार फोन करके बोला था मैंने सेक्रेटरी को। हाँ हाँ करता हूँ करके बोला, अभी तक तो कुछ भी किया नहीं है। चला, हम लोग मेंटेनेंस इसलिए भरते है क्या? कैसे दम घुट जाए हमारा। उमेश पंडा, उमेश। हाँ इधर आ। क्या हुआ साहब? ये क्या है? क्या है तेरे को? कितने बार बोला ये ऐसे कंपाउंड में कचरा छोड़ने का नहीं? हाँ कितने बार बोला? अब मैंने नहीं रखा इसको। अरे तूने बोला एक्स्ट्रा कूड़ेदान चाहिए, हमने एक नहीं दो दो लाके दिए। बस सुबह काय को बोम्बा बोम कर रहा है। थैली मैंने नहीं रखा है। तो कौन रखा? क्या खुद ब खुद चल के आई है? मुझे नहीं पता, किसी और ने रखी होगी। तू अभी के अभी इसको उठा और कूड़ेदान में डाल। अच्छा ठीक है मैं। हाँ चल चल। क्या हुआ? साहब ये कचरा नहीं है। तो क्या है? कचरे की पॉलीथीन के बैग तो दिख रही है ये। बहुत भारी साहब ये। अरे तो कोई भारी कचरा होगा, उठा फिर से। साहब मैंने उठा था, आप खुद उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? उठा उठा तू। नहीं साहब कुछ तो है इसमें। तू डरता क्यों है बे? तेरे को क्या लगता है इसके अंदर कोई लाश भी है क्या? चल खोल। मेरे को लग रहा है कि कुछ है इसमें। आप देखो ना एक बार, खोल के देखो। वीरा। अरे मुकेश भाऊ। हाँ काय था? कोई तो यहाँ पर ये थैला छोड़ कर गया। हाँ हम देख रहे हैं इसके अंदर है क्या। अच्छा लेडीज की लाश है अंदर। हाँ युनिट 7B अर्पिता सोसायटी पवई पोहोचते आहे, जिथे बॉडी मिळालेली आहे। आय रिपीट, क्राइम ब्रांच की युनिट 7B अर्पिता सोसायटी पवई पहुंच रही है जहां लाश मिली है। हम एक ऐसे केस का सामना करने जा रहे थे जो पूरे शहर को शॉक करने जा रहा था। एक ऐसा जुर्म जिसके पीछे जुर्मों का कारवां बनता गया, मानो एक चेन रिएक्शन।
हम यहां यहां तक डूबने जा रहे थे एक बहुत ही भयंकर और बदबूदार साजिश में। मुकेश राणे, हाँ जी, तुम रोज सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तब तुमने पॉलिथिन नहीं देखा यहाँ पे? नहीं सर, सवेरे मेरी नज़र नहीं पड़ी, मगर जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौट कर आया तभी उजाला हो गया था और अचानक मैंने ये पॉलिथिन की बैग देखी सर। इस बिल्डिंग का कचरा तो ही उठाता है ना? हाँ साहब, इन दोनों बिल्डिंग का कचरा मैं ही संभालता हूँ। मैं तो पहली बिल्डिंग का कचरा इकट्ठा कर रहा था, यहाँ तक तो मैं आया ही नहीं साहब। सर, पॉकेट्स में से कुछ भी नहीं मिला है और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। बेचारे, पॉलिथिन तपासा, शायद अंदर कुछ रह गया होगा। सर, बॉडी को बाहर से लाकर यहाँ कोई कैसे डम कर सकता है? और किसने कुछ देखा नहीं? तू रात भर ड्यूटी पर था, किसी को आते हुए नहीं देखा? मैं पूरी रात गेट पर ही ड्यूटी पर था साहब, मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा साहब। मुकेश, आपने बिल्डिंग में पता किया? हो सकता है ये लड़की किसी के घर आई हो। सर, मैंने लाश के फेस की फोटो अपने मोबाइल में ली और हमारे वॉचमैन ललित को हर एक के घर में भेजा, मगर ये लड़की ना तो कॉलोनी की है ना किसी के घर पर आई थी। मतलब कोई बाहर से आया और बॉडी यहाँ डंप कर गया? क्यों ललित, हेलीकॉप्टर से आया कोई या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो से? सो रहा था ड्यूटी पर? नहीं साहब, मैं नहीं सोता हूँ सब ड्यूटी पर, पूछ लीजिए साहब को, रात को कोई भी नहीं आया साहब। ज्योति मैडम, पॉलीथिन में कुछ नहीं मिला। कोई निशानी भी नहीं मिली? नहीं मैम, पॉलीथिन एकदम क्लीन है। पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी नहीं है? सोसाइटी के एनुअल मीटिंग में बात तो हुई थी सर, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ सर, कुछ हुआ नहीं, मर्डर हुआ है, इसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे आप लोग। ज्योति, तुम विचारे के साथ बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ, डिटेल पूछताछ करो। बाहर से आकर कोई बॉडी यहाँ डंप कर जाए ऐसा मुश्किल लग रहा है। सर, मैं इस वॉचमैन ललित से जरा सख्ती से पूछताछ करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाश को बाहर से लेकर आया हो और इसने कुछ ना देखा हो, या फिर बिल्डिंग के किसी फ्लैट से लाश को बाहर रखा गया हो और इसको कुछ भी ना पता हो। और इस सफाई कर्मचारी उमेश को भी अंदर लो, रोज यहाँ से कचरा उठाता है। कंपाउंड में आज इतना बड़ा पॉलीथिन बैग पड़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे दिखा ना हो। परेश भाई, उस बास का कुछ कीजिए ना, हमारे बाथरूम में एंट्री भी नहीं ले जा रही है। तो मैं क्या करूं धनुष भाई, मैं गटर में एंट्री ले लूं और निकालूं वहां से सड़े हुए चूहे को? अरे 6-6 बार मैंने कमलेश को फोन किया, मैसेज किया, फिर सोसाइटी के मैनेजर को वार्निंग तक दी कि कमलेश नहीं तो कोई और सही। अरे यहाँ सबकी जान जा रही है और मरा हुआ चूहा सिर्फ आपका दुश्मन थोड़ी ना था। किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से सर पर जबरदस्त वार हुआ है, स्कल क्रैक हुआ है और घाव काफी गहरा है। कल अभी काटा गया डॉक्टर? काफी डीप। अभी मर्डर को 12 घंटे भी नहीं हुए हैं इंस्पेक्टर। 12 घंटे भी नहीं मतलब कल 12 जनवरी की शाम को कोई 8 बजे के आसपास? हाँ, मैंने विक्टिम के कपड़े और वो पॉलीथिन बैग दोनों की माइन्यूट स्कैनिंग करवाई थी, कुछ नहीं मिला। अप्रोक्सीमेट एज क्या होगी विक्टिम की? यही कोई 25 से 28 के बीच में होगी। सेक्सुअल असॉल्ट? नो, पर विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। माँ बनी कभी? उसके कोई साइंस नहीं है। साहब, मैं बिल्कुल खरा बोलते है, वो मुकेश साहब ने जब आवाज़ दी ना, मैं तभी देखा, उससे पहले तो मेरी नज़र भी नहीं पड़ी थैली पर। और मैं साहब ड्यूटी पर कभी नहीं सोता हूँ साहब, बस रात को एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मैं अपना कुर्सी छोड़ता है और भी टॉयलेट जाना होता है तभी। ये टॉयलेट वगैरह का बहाना कातिल को पहले से मालूम था या तूने खास बताया उसे? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया साहब, सच ही बोल रहा है साहब। तो अब टाइम है, बता दे तूने कातिल की हेल्प की या तो खुद कातिल? नहीं साहब, बाल बच्चे वाला साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? कातिलों के बीवी बच्चे नहीं होते तेरे? क्या साहब? बाल बच्चे बीवी? वो साहब देख, इसके भी और होने को ये भी कातिल हो सकता है या फिर ये तुम दोनों के मिली भगत हो सकती है। वो साहब वो थामा साहब, मुझे इसमें मत घसीटो। पिछले 8 महीने से पूरा ईमानदारी से इधर का कचरा उठा रहा है मैं, मर्डर वर्डर करके अगर बॉडी को ठिकाने लगाना होता तो इधर का को डालता पकड़े जाने के लिए। सर, मैंने और विचारे ने अर्पिता कॉलोनी के एक एक फ्लैट से पूछताछ की,
ये लड़की वहां की रेजिडेंट तो नहीं है। वॉचमैन ललित कसम खा के कह रहा है कि रात को ड्यूटी पर सोता नहीं है, टॉयलेट के लिए जरूर जाता है। मुझे लगता है उसी दौरान लाश को डंप किया गया। कत्ल कल शाम 12 जनवरी को 8 बजे के आसपास हुआ है, तो बॉडी 12 बजे के बाद ही डंप की गई होगी, डेफिनेटली सूरज निकलने से पहले। एक काम करो, कॉलोनी को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सबके सीसीटीवी चेक करो। बॉडी बाहर से लाई गई है तो कहीं से तो लाई गई होगी, हो सकता है किसी कैमरे में दिख जाए। सर वैसे मैंने विक्टिम की फोटो आसपास के मोहल्ले में सर्कुलेशन में दे दी है, हो सकता है वो आसपास के मोहल्ले की रेजिडेंट हो। मर्डर कल शाम को ही हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन तो दर्ज नहीं हुई होगी, फिर भी चांस लेते हैं, चेक करो। एक जवान लड़की मिसिंग है तो कहीं ना कहीं बवाल तो हुआ ही होगा। यार नताशा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इतना डरना बहुत चाइल्डिश है। ओके आई नो यार, लेकिन थर्ड टाइम प्रोजेक्ट डिलेड है मेरा। तो क्या हुआ यार, बोल देना नहीं हुआ। हेलो, बंद ही नहीं हो रही है, क्या करूं इसका, सगळं बंदच करून टाकते। रेडी? अरे ये खत्म नहीं किया तुमने? मैंने पीऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है छोड़ दो। चले चार दिन हो गए लाश मिले हुए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन की एक लीड तक नहीं। सर मुंबई के 91 पुलिस स्टेशन में से एक भी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है, अजीब है। सर हो सकता है कहीं बाहर से आई हो। हाँ जहां से भी आई है वहां तो इसे कोई ना कोई मिस कर रहा होगा ना, हो सकता है ये यहां पर किससे मिलने आई हो। अब ये तो अपना फोन उठाने से रही, इसका फोन कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप बज रहा होगा, या फिर कातिल ने स्विच ऑफ कर दिया होगा। जिनका अपना कोई मिसिंग हो वो अपना डर, अपनी टेंशन ऐसे स्विच ऑफ कर सकते हैं क्या? क्या हुआ, अभी भी फोन नहीं उठा रही है? नहीं माँ, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल कर रही हैं आप मैडम, गटर क्लीनर आ ही नहीं रहा है तो सोसाइटी ऑफिस आखिर क्या कर सकती है? तो क्या हम इस बदबू में घुट घुट के मरते रहे? मैनेजर साहब आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, आप रहते नहीं है ना यहाँ, हमें तो एक निवाला खाया नहीं जाता, उल्टी आती है। मैं तो कह रही हूँ ये मरे हुए चूहे की स्मेल तो नहीं है, कुछ और ही है। अरे कमलेश, इतना भी नहीं भाव खाने का समझा? कम से कम 25 बार फोन किया तुझे, SMS किया, तू कभी किसी का जवाब क्यों नहीं देता रे? हां साहब, आप सब लोग मेरे पे इतना चढ़ क्यों रहे हो? अरे गांव चला गया था, आने में लेट होगा, अभी सुबह लौटा हूं। चल भाई कुछ कर, ताबड़तो। एक मिनट रमेश को आ जाने दो। रमेश चल चल जल्दी कर जल्दी कर। पहले ही बोल रहा हूँ साहब, ये मरे चूहे की बात तो लग नहीं रही है। अरे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या हाथी हो, अरे ये गटर खोल और निकाल उसको यहाँ से। हे भगवान, ऐसी बदबू तो पहले कभी सही नहीं मैंने।
साहब कोई तो बड़ा सा पॉलीथीन का बैग अंदर घुसेड़ा है, अटका हुआ है और बैग में से बास आ रहा है। अरे तो निकालना बैग को वहां से। पता नहीं क्या है बैग में परेश भाई। जो भी है बाहर तो निकालना ही है ना, चल खींच ले बाहर। भारी है परेश भाई, कुछ तो लफड़ा लग रहा है। अरे ट्राई करना परेश भाई, हम दोनों से नहीं होगा। अरे तो दो चार लोगों को और बुलवा लेना। क्या परेश भाई दो चार लोगों को और बुला, आप पुलिस को बुला लो, लफड़ा लग रहा है। पुलिस? 5 दिन से बदबू आ रही थी और डेली बढ़ती जा रही थी। हमें लगा कि गटर में कोई चूहा मर गया होगा, उसी की बदबू होगी। पिछले 5 दिन से हमारे क्लीनर को फोन पे फोन किए जा रहे थे, किसी को लगा ही नहीं कि यहाँ पे बॉडी शॉडी होगी। किसी औरत की बॉडी है। बॉडी पर कहीं भी टैटू नहीं थे, मैंने अच्छे से चेक किया था। गटर शुरू से एंड तक पूरा तलाश किया, सिर नहीं है अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है सर, कहीं नहीं मिला। अच्छे से देखो, सबसे पूछ ले मैडम, हमारी कॉलोनी की कोई भी लेडीज मिसिंग नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे ना कि रोज रोज गटर से लाशें नहीं मिला करती, तो रोज रोज लोग गायब भी नहीं हुआ करते। दोबारा से चेक कीजिए परेश जी, एक एक फ्लैट से। ये तो क्लियर है कि लाश औरत की है, अगेन उम्र 25 से 28 के बीच होगी। डॉक्टर पहली वाली विक्टिम भी सेम एज की थी। हाँ, पर दोनों रिपोर्ट्स में काफी फर्क हो गया इंस्पेक्टर। वो बॉडी हमें मर्डर के लगभग 11 से 12 घंटे के अंदर मिली थी, और ये बुरी तरह से डिकम्पोज हुई है। एग्जैक्ट टाइम इस वक्त बताना पॉसिबल नहीं, फिर भी अंदाजन 96 घंटे से 120 घंटे के अंदर मर्डर हुआ होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 दिनों के अंतर में मिली ये दोनों लाशें दो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी से बरामद हुई है। पुलिस ने अभी तक इन दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन तो एस्टेब्लिश नहीं किया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि दोनों ही विक्टिम्स जवान लड़कियां थी और इन दोनों की ही आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। एज की रेंज बढ़ाओ, 25 से 28 की जगह 21 से 30 करो। पिछले 1 महीने की सारी मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। सोशल मीडिया ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स में सर्कुलेट करो ये टैटू की फोटो, हो सकता है कोई इसे पहचान। सर मैं एरिया के सारे टैटू आर्टिस्ट से भी पूछताछ करवा रही हूँ। क्या दूसरी विक्टिम का सर मिला शहर के किसी दूसरे कचरा डंप से या कहीं और से? नहीं मिला, हम शहर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। साथ ही दोनों विक्टिम्स की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस फुल स्विंग में थी। ऊपर से देखने पर आपको दोनों विक्टिम्स अनकनेक्टेड लगे होंगे, लेकिन श्योरली आपको कनेक्शन तो मिला होगा। दोनों लाशें पॉलिथीन बैग्स में मिली, दोनों हाउसिंग कॉलोनीज के प्रीमाइसेस में, और दोनों विक्टिम्स लगभग एक ही एज की जवान लड़कियां थी। हमें दूसरी लाश के मिलते ही कनेक्शन दिखने लगे थे, पर मीडिया और पब्लिक ये भी इन कनेक्शन को बना सकते थे। हमें शहर में पैनिक फैलने से पहले ही विक्टिम्स की आइडेंटिटी और कातिल दोनों को सामने लाना था। एक बात और थी जो हमें परेशान कर रही थी कि सिचुएशन का दूसरे क्रिमिनल्स फायदा ना उठा ले। ठीक है, दोनों बॉडीज पॉलिथीन बैग में मिलती हैं, पर इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन सर दोनों बॉडीज का एक दूसरे से 5 दिनों के अंतर पर मिलना और हमारे ज्यूरिसडिक्शन में मिलना, और तो और दोनों बॉडीज का प्लास्टिक बैग्स में मिलना, कहीं मोडस ऑपरेंडी तो नहीं? दोनों बॉडीज को ऐसी कॉलोनी में डंप किया गया जहां पर सीसीटीवी नहीं, और दोनों बार आसपास के सीसीटीवी को बहुत ही चालाकी के साथ अवॉइड किया गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन अगर एक और लाश मिलती है तो पब्लिक भड़क उठेगी, और मीडिया तो है ही ऑयल टैंकर लेकर आग भड़काने और लगाने के लिए। कुलकर्णी तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह सीरियल किलिंग का मामला नहीं है? मॉडल्स ऑपरेंटी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही विक्टिम्स जवान लड़कियां थी। ये सर दोनों विक्टिम्स जवान लड़कियां थी, पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ।
फर्स्ट विक्टिम में तो एस्टैब्लिश हुआ है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, सेकंड विक्टिम की लाश काफी गल चुकी थी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। मैंने कई सीरियल किलिंग के केस स्टडी किए हैं, कोई भी सीरियल किलर किलिंग में कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, कुछ प्लान नहीं करता और न ही विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है। ओके कुलकर्णी, तुम्हारे पॉइंट को सही मानते हुए ये मानते हैं कि ये सीरियल किलर नहीं है, लेकिन किलर तो है, मर्डर्स में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है सर। और कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट नहीं है पूरे शहर में? एक्चुअली नहीं है सर। शायद ये दोनों विक्टिम्स आउट ऑफ सिटी से हो, इसलिए इतने बड़े शहर में उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं। इस हालात में अगर और एक भी लाश मिली तो शहर में सिचुएशन संभालना आसान नहीं होगा। सुमेश घोष। जी सर, मैं ही हूँ सुमेश घोष। तुमने फोन किया था? हाँ सर। बोलो क्या बात है? सर ये फॉरवर्ड आया था मुझे। तुमने फोन पे बताया नहीं तुम्हें इस बारे में बात करनी है। पहचानते हो इस टैटू को? हाँ सर, ये टैटू मेरी फ्रेंड पायल ने बनवाया था, पायल दास। तू इतना श्योर कैसे है कि ये जो टैटू है वो तेरी फ्रेंड पायल दास का ही है? ये टैटू लेफ्ट हैंड पे, और पायल ने भी अपना टैटू लेफ्ट हैंड पर ही बनाया था। ये देखिए सर, हम दोनों ने अपने टैटू साथ में बनवाए थे कोलकाता में 3 साल पहले। ना ना ना, आम की स्नेक भालू लाग बिना, मुझे स्नेक नहीं ड्रैगन बनवाना है। ड्रैगन का कौन सा डिजाइन बताओ? ये वाला पसंद है मुझे। देखो सुमेश, अपने आप को संभालना, लाश का सर नहीं है लेकिन टैटू है। ओके सर। वाह यार, तो बहुत सुंदर है, लेकिन पता है ये ज्यादा अच्छा है। ये पायल है, मेरी बचपन की दोस्त पायल दास। तुम्हारी बचपन की दोस्त की हमें 18 जनवरी को लाश मिली और आज 23 जनवरी है, तो इतने दिन तुमने अपनी इतनी करीबी दोस्त को मिस नहीं किया? हम दोनों बस फ्रेंड्स थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं पायल के टच में नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं। फिर एकदम से अचानक मेरे पास निहारिका का फोन आ गया। हेलो। हेलो सुमेश का? कौन बोल रहा है? मैं निहारिका, पायल की बहन, 12 साल से। क्या बात है निहारिका, ऐसे अचानक? पायल दीदी का फोन 2 दिन से नहीं लग रहा है। माँ और मैं उन्हें दिन रात ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। क्या आप पता लगा सकते कि बात क्या है? मेरी भी उसे काफी दिनों से बात नहीं हुई है निहारिका। अच्छा, तो कोई और है जिसे मैं फोन कर सकती हूँ? ऐसे तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम रुको, मैं कुछ पता करता हूँ। तीन बार मैं उसके फ्लैट पर भी जाकर आया था, मगर ताला लगा हुआ था। फ्लैट कहाँ है उसका? और पायल का फोन नंबर? अंधेरी ईस्ट में भारत कॉलोनी में रहती है। नंबर याद है? नंबर ये उसका नंबर है, 4445678 इस नंबर का पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड मुझे आज ही चाहिए, और उसके बाद पिछले 6 महीने का जल्द से जल्द। मुझे दूसरी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो तो साहब ने मुझे बॉडी दिखाई थी मुर्दा घर में। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं पहचानता।
पायल दास यहाँ मुंबई में 3 साल से काम कर रही थी जी। तो वो यहाँ जहाँ भी काम कर रही थी उसे वहाँ किसी ने मिस क्यों नहीं किया? पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की होगी? 5 साल पहले मैं 12 साल से मुंबई आया था काम करने के लिए, और पायल को भी बहुत इंटरेस्ट था मुंबई आके जॉब करने का, इसलिए मैंने 3 साल पहले उसके लिए जॉब ढूंढ दी और साथ ही साथ रहने का इंतजाम भी कर दिया। क्या जॉब? अंधेरी इसमें पर्पल स्वान स्पा जी सर, ये रतन पंजाब होटल के एकदम पीछे ही है, बहुत फेमस है, लेकिन पायल ने वहाँ पर सिर्फ 1 साल ही काम किया था। फिर कहाँ चली गई? वो उसने बताया नहीं, वो रूम भी उसने छोड़ दिया था जो मैंने उससे दिलवाया था, वो भी मुझे बिना बताए। हाँ सुमेश बोलो। क्या बोलूँ पायल, 2 हफ्ते से तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तुम्हारे वो क्या नाम है, वो पर्पल स्वान स्पा, वहाँ गया तो उन लोगों ने बताया तुमने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारे रूम पे गया तो पता चला तुमने कमरा भी छोड़ दिया है। क्यों हुई ची पायल, क्या हुआ है? आज़ाद हो गई हूँ मैं, तरक्की हो रही है मेरी। तुम ये अब बता रही हो मुझे? ये हमारा छोटा सा बरासात नहीं है पायल, और ये हमारा बड़ा सा कोलकाता भी नहीं है। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ पायल, ये हमारे कोलकाता से भी बड़ा, देश का सबसे बड़ा शहर है, और मैं सबसे बिजी भी, काम के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए फोन वोन नहीं किया। अब कहाँ काम कर रही हो, कौन से पार्लर में? नहीं नहीं कोई पार्लर नहीं, अब मैं खुद की एक चलती फिरती उठती बैठती पार्लर हूँ, फ्रीलांसर। खैनो तुमको मालूम भी है कितना बड़ा रिस्क है उसमें? ज्यादा पैसा भी तो है, और वैसे भी इतनी बड़ी सोने की नगरी में आके रिस्क नहीं लिया उसको सोना भी तो नहीं मिलेगा। स्कूल टाइम से ही बड़े बड़े सपने थे पायल के, स्कूल की सीढ़ियाँ भी एक एक करके नहीं चढ़ती थी वो। तो ये फ्रीलांस मसाज सर्विस, फोन पर भी अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं? होते होंगे सर, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, 2 सालों में बस कभी कभार मेरे पायल से बात होती थी, वो भी फोन पर, कभी मिले नहीं हम लोग, फुर्सत ही नहीं थी उसे। आज उसकी लाश देख ली, जी मैं एसआई ज्योति बिरजे क्राइम ब्रांच। क्या हुआ मैडम? ये पास वाला फ्लैट पायल दास का है? हाँ वो बंगाली, लेकिन कई दिनों से देखा नहीं उसे, उसका मर्डर हो गया है। क्या? तभी मैं सोचूं इतने दिनों से उसका फ्लैट बंद क्यों है। एक्चुअली मैडम हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था उसके साथ, बस कभी सीढ़ियों पे या तो फिर बिल्डिंग कंपाउंड में वॉक करते समय हाय हेलो हो जाता था बस। और कई दिनों से पायल और स्वाति दिखी भी नहीं थी। ये स्वाति कौन है? पायल की रूममेट। मैडम वो दोनों ना स्पा पार्लर में काम करती थी, स्पा समझते हो ना, मसाज विसाज। ये स्वाति फ्रीलांसर थी या किसी स्पा से जुड़ी हुई थी? ये हम लोग को कैसे मालूम होगा, वैसे भी हम लोग उनसे ज्यादा बात बात नहीं करते थे। योगेश दलवी कौन है? योगेश भाऊ मतलब योगेश दलवी इस मकान के मालिक हैं, और ये पायल और स्वाति इनके किराएदार थे। किसी के पास नंबर है योगेश दलवी का? हाँ जी, सर्वकृपा सोसाइटी का फ्लैट नंबर 202 मेरा ही है, किराए पे दे रखा है, भानगढ़ का है मैडम। तुम्हारी किराएदार पायल दास का मर्डर हुआ है,
अरे काय बोलता है तुम्ही? पेपर में पढ़ा होगा तुमने, एक औरत की लाश मिली सर कटी हुई। हाँ मैंने पढ़ा तो था। वो तुम्हारी टेनेंट पायल दास है। मैडम मुझे ज्यादातर पता नहीं रहता कि मेरे फ्लैट पे कौन रहता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फ्लैट में कौन रहता है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। वो फ्लैट मैंने मेरे ब्रोकर को दे रखा था, नितिन गावड़े नाम है उसका। 6-6 महीने का किराया वो मुझे एडवांस में दे देता है और फिर वही हैंडल करता है सभी पार्टीज को। मैडम मैं उस फ्लैट पे कभी जाता तक नहीं। पर अब तो तुम्हें आना पड़ेगा, वो भी चाबी के साथ, और नितिन गावड़े को भी लेकर आना। सर जैसा कि सोमेश ने बताया कि फ्लैट कई दिनों से बंद है, पड़ोसी ने बताया कोई स्वाति मित्रा नाम की लड़की रहती थी पायल के साथ, वो भी इस लाइन से ही थी। सोमेश तू जानता था स्वाति के बारे में? नहीं मैडम, मैंने आपको बोला था मैं पिछले 2 साल से पायल से नहीं मिलूँ। हाँ कभी कभार फ़ोन पे बात हो जाती थी मगर वो भी जल्दबाजी में। You are trying to call is currently switched off. Yogesh Dalvi? जी, ये चाबी। Sir, ये flat के owner हैं योगेश दलवी और ये broker हैं नितिन गावड़े। जी, sir, लेकिन नितिन ने ये flat किसी लड़की को किराए पे दिया ही नहीं था। हाँ साहब, ये दो लड़कियाँ पायल दास और स्वाति मित्रा, इनको मैं जानता भी नहीं। मैंने flat दीपक बासु को दिया था rent पे। तुमने ये flat इस नितिन को दिया और नितिन ने ये flat दीपक बासु को सबलेट किया और रह रही थी यहाँ पे दो लड़कियाँ। वो क्या रहा है ये? कौन है दीपक बासु? दो दोस्त है मेरे साहब। सुमेश तुम जानते हो इस दीपक बासु को? नहीं सर। आप लोग में से कोई जानता है इस दीपक बासु को? पता नहीं सर, हमने तो यहाँ पे सिर्फ स्वाति और पायल को ही देखा है। पायल दी की कोई खबर? बुरी खबर है। क्या क्या हुआ दादा? कुछ ऐसा दिन पहले पुलिस को पायल की लाश मिली। निहारिका, निहारिका की हो लो माँ। हाँ बोल, सुमेश ने क्या कहा? पायल से बात हुई उसकी? हाँ बोल बेटा बोल। पायल दीदी को? हाँ मार दिया। पायल के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका आधार कार्ड भी और पासपोर्ट भी। सर मुझे स्वाति मित्रा का आधार कार्ड और पासपोर्ट भी मिला है और सर ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिली थी। यस, हमारी फर्स्ट विक्टिम। हाँ यही है स्वाति मित्रा। लगता है आप लोग इतनी पढ़ाई करती हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। जी मैडम। हमने हर न्यूज़पेपर में स्वाति की लाश की फोटो छापी थी, पब्लिक से अपील की थी कि कोई इसे जानता हो तो सामने आए। आप तीनों तो पड़ोसी हैं उसके। सर फोटो तो देखा था पेपर में मैंने, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों मेरे ही फ्लैट में रहने वाले होंगे। मैं इन दोनों से कभी मिला नहीं, मैं इनका नाम तक नहीं जानता। मैंने ये फ्लैट इस नितिन के हवाले कर रखा था। साहब मैंने इश्तियार देखा था वो बिना सर की लाश के बारे में, लेकिन आई शपथ साहब अभी देख के मैं भी शॉक हो गया हूँ। मैंने इन दो लड़कियों को कभी नहीं देखा, सब दीपक बासु ही देखता था। एग्रीमेंट के पेपर्स का? अरे दीपक बासु कौन है? दोस्त था मेरा, तो इसलिए एग्रीमेंट के पेपर नहीं बनवाए उसको, और दो फ्लैट रेंट पे दिए मैंने साहब। फोन लगा उसे अभी कभी और उसको बोल आके मिले मुझसे, ताबड़तोड़। स्वाति है। The number you are trying to call is currently switched off. साहब ये दीपक बसु का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 444-232-111 यही दीपक बसु का नंबर? हो साहब। सर इस नंबर की डिटेल्स में वैसे भी निकलवा ही रहा था, पायल दास की इसी नंबर पे आखिरी बार बात हुई थी।
करता क्या है दीपक वासु? अच्छा दोस्त था मेरा, मतलब अच्छी जान पहचान वाला था। मैंने इसको 3 अलग अलग फ्लैट किराए पे दिए थे और मैं उससे किराया लेता था और मालिक को देता था, घर मालिक को, अपना कमीशन रखकर। अच्छा धंधा चला रहा था, कोई एग्रीमेंट वगैरह करता है इसका? अब 3-3 फ्लैट किराए पे लिए थे तो उतना झंझट काम होता था ना मेरा। 3-3 फ्लैट किराए पर लेता है, रहता कहाँ है और करता क्या है? एजेंट है, लड़कियों को काम दिलवाता है ब्यूटी पार्लर वगैरह में। मसाज पार्लर? हाँ साहब वैसा ही कुछ। इन मसाज पार्लर में सिर्फ मर्दों की मसाज होती है साहब, शायद मेरे को मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं उधर। होटल्स में, घरों में भी फ़ोन करके लड़कियों को बुलाया जा सकता है मसाज करवाने के लिए, और इस सब में इस दीपक बासु को क्या मिलता है साहब? कमीशन जैसा कुछ, दलाली जैसा कुछ। अब मेरे को किराया टाइम से देता था, आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ। बस 2 मर्डर हुए, लफड़ा नहीं है ये। अब मैं क्या बोलूँ साहब, रहता कहाँ है ये दीपक बासु? यही अंधेरी इसमें कॉलोनी, एग्जैक्टली पता नहीं। तू कह रहा है कि वो तेरा दोस्त है, तू 3-3 फ्लैट देता है उसको किराए पर चढ़ाने के लिए, और तेरे पास फोन नंबर के अलावा उसकी ABCD कोई जानकारी नहीं है, और उन किराए के फ्लैट के तू पेपर वर्क नहीं करता। उनमें से एक फ्लैट में 2 जवान लड़कियां रह रही थी जिनकी इस वक्त लाशें पड़ी हैं मुर्दा घर में। देखिए साहब, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। हाँ साहब, मेरा भी वैसे कोई लेना देना नहीं है। लेना भी है इस सबसे और देना भी है। किराए पर फ्लैट देते हो, उसके पेपर वर्क नहीं करते, पेपर वर्क करना भी तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ए नितिन गावड़े, बाकी 2 फ्लैट जो तूने दीपक को दिलाए कहाँ है वो? साहब यही है पास में, एड्रेस है ना मेरे पास। तुम दोनों के पास स्वाति के किसी भी रिश्तेदार का नंबर नहीं है? हमने बोला ना मैडम, हमारा उनके साथ सिर्फ हाय बाय ही था, वो भी फॉर्मल टाइप। रिश्तेदार तो क्या मैडम, हमारे पास उन दोनों के नंबर्स भी नहीं है। और सोमेश, तुम्हें स्वाति के बारे में आज ही पता चला है? जी मैडम, पायल ने तो कभी फोन पर भी स्वाति का नाम तक नहीं लिया था। लड़की का नाम है स्वाति मित्रा और एड्रेस है 24 रत्नमणि कॉलोनी, भीरू नगर, कोलकाता। नोट कर लिया उसका एड्रेस, हम उसका फैमिली को कांटेक्ट करेगा। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे सर प्लीज, स्वाति की बॉडी मॉर्ग में है। हाँ हाँ समझ गया, जल्दी हो जाएगा। सर आगे से राइट। सर ये चाबी है मेरे पास। दीपक ने फ्लैट भूतों को दे रखा था क्या? साहब सच बोल रहा हूँ, कसम से मेरे को कुछ मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। वो दीपक तो ठीक ठाक सा बंदा था। 2 लड़कियां रहती थी यहाँ। थी मतलब? मतलब 2 महीने से दिखी ही नहीं वो। उनका नाम नंबर कुछ है आपके पास? नहीं सर, कभी 2 बातें भी नहीं हुई उनसे। कब से रह रही थी यहाँ? 6 महीने पहले आई होगी, फिर लगभग 2 महीने से दिखी ही नहीं वो। करती क्या थी कुछ पता है? नहीं सर। यहाँ भी 2 लड़कियां? हाँ सर, पड़ोसन कह रही है कि उसे उनका नाम तक नहीं पता, आखिरी बार 2 महीने पहले देखा था। यहाँ भी 2 लड़कियां रहती थी, कहीं दोनों के साथ भी कुछ गलत ना हुआ। मुले ये काफी सीरियस हो सकता है। नितिन चल तेरा 3rd फ्लैट दिखा जो तूने दीपक को सबलेट किया। नितिन गावड़े, ये दीपक मिला तो ठीक है, नहीं तो तू ही सब कुछ बता दे। मैं क्या बोलूँ सर, मुझे तो 3 फ्लैट का किराया टाइम पे देता था, बोला था कि सिर्फ लड़कियां रहती है फ्लैट में और कोई लफड़ा नहीं है, सब सही है, और किसी ने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। अब मुझे क्या पता साहब पीछे से क्या हो रहा था। मैडम मैडम मैं क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है मैडम। अभी नहीं। क्यों नहीं मैडम? मैम सब कुछ तो मैंने आपको सामना कर बता दिया है, पायल की भी पहचान हो गई है आप लोगों को और साथ ही साथ स्वाति की भी पहचान हो गई है। लेकिन कातिल की पहचान अभी बाकी है। तब तक क्या मैं यही रहूंगा मैडम? अरे मेरा मालिक मेरे पैसे काटेगा। पायल का सर काटा गया है जो अभी तक मिला नहीं है। सोमेश, पायल तुम्हारी बचपन की दोस्त थी ना, तुम्हें थोड़ा टाइम और यहां रुकना होगा।
इसकी भी चाबी होगी तेरे पास? हाँ सर। तो फिर खोलना, चल खोल। पूरा घर खाली है? नहीं बोले, खाली नहीं, दरअसल यहाँ बहुत कुछ है, काफी कुछ। फोरेंसिक बुलाओ, एक क्राइम सीन है हमारा। सर चार पांच महीने से तो कोई भी नहीं रह रहा था सर। और उसके पहले दीपक बासु रहता था यहाँ? नहीं सर, दो लड़कियां रहती थी। कभी बात होती थी उनसे? कुछ बता सकती हो उनके बारे में? जानने के लिए टाइम ही नहीं होता था सर, हर दो तीन महीने में लड़कियां चेंज हो जाती थी। यहाँ एक मर्डर हुआ है, दो भी हो सकते हैं। कभी किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज सुनी? हे भगवान, मर्डर? हमने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। शायद एक मर्डर 12 जनवरी को हुआ होगा और दूसरा मर्डर एक दो दिन बाद, यानी 13 या 14 को। आपके घर से बस एक दीवार छोड़कर दो दो मर्डर हुए हैं और आप कह रही हो ना कुछ सुना ना देखा? नहीं सर, वैसे भी हम उन लड़कियों से दूर ही रहते थे, लेकिन बेचारी लड़कियों का मर्डर हो गया यहाँ, कैसे हो गया सर? ये दीपक बासु काफी सस्पिशियस कैरेक्टर मालूम हुआ होगा, लड़कियों को काम दिलाता था, तीन तीन फ्लैट्स रेंट पर ले रखे थे, कोई अग्रीमेंट नहीं और फोन भी स्विच्ड ऑफ। दोनों फ्लैट एक अरसे से बंद थे, क्राइम सीन वाला फ्लैट तो लगभग 4-5 महीने से लॉक था, उसके पहले वहां पर दो लड़कियां रहती थी, तो फिर क्या ये क्राइम सीन 4-5 महीने पुराना था? उस वक्त हमें भी लग रहा था कि एक मल्टीपल मर्डर्स का केस हो सकता है। हम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कातिल के माइंडसेट को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बॉडी डंप की गई थी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के गटर में, फिर कहीं और एक फ्लैट में हमें खून के धब्बे मिले, उस फ्लैट में जो फ्लैट एक लंबे समय से बंद था। इस बार पब्लिक से ज्यादा हम खौफ की गिरफ्त में थे कि और लाशें मिलने वाली, सवाल तलवार की तरह लटक रहे थे कि कितनी लाशें, किस किस की लाशें और कहां कहां मिलेंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.